आज हम BMW X4 में बैठे हैं और साथ में बैठे हैं डॉक्टर साहब। मास्क खोलेंगे नहीं, लेकिन आगे हाईवे आएगा तब खोला देंगे, है ना। पेट्रोल भरवा लेते हैं अब एक बार, पानी कुछ ज़्यादा ही पी रहे हैं। उधर आ कमल, कमल ये देख रहे हैं आप इनको, ये तेल के पैसे दे रहा हूँ। पूरे 1600 रुपए में टंकी फुल हमारी, और हम लद्दाख के लिए रवाना। तो आ जाओ बता दें। गाड़ी हो गई है फुल, हाईवे पे चढ़ गई गाड़ी, सीधा पाली। अपना बैग पड़ा है, गिम्बल का, कैमरे का, बोटल्स पड़ी है, आगे मूवमेंट है। गाने चल रहे हैं, गाने का हमने जुगाड़ कर रखा है, अभी दिखाते हैं आपको क्या कर रखा है। ये देखिए है ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह एक्सटर्नल स्पीकर लगा रखा हमने। गाइस आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं गाड़ी की, क्या खास बात है बताइए। कैमरा हिल रहा है कहीं नहीं, क्यों बताइए। गाड़ी BMW जो लेके चल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात क्या बताऊँ आपको, इसको हमने ऑटो मोड पे डाल दिया है, अभी अपने आप ड्राइव कर रही है टेस्ला की तरह। हमने करवा रखा है ऐसे ही, थोड़ी दिखाते आ जाओ। ये देखिए आपको दिखाते हैं टेस्ला मोड को, ये देखिए ऑटो मोड पे चल रही है गाड़ी। ड्राइवर एकदम फ्री है, स्माइल कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, ठीक है। और ये देखिए आप ऑटो मोड पे चल रही है गाड़ी, पूरी ऑटोमेटिक में गाड़ी ऑटोमेटिक करवा रखी है हमने। देखा आपने हमारा ऑटोमेटिक मोड कैसा लग रहा था आपको। अभी ये ऑटोमेटिक चलाने वाले से बात करवाते हैं, हम एक्चुअली पाली जा रहे हैं आज, तो किस रीजन से जा रहे हैं वो यही बताएंगे, क्योंकि मैं तो साथ में हूँ वो ड्राइवर ना, तो एक बार इनसे बात करिए, बताएंगे आपको किस वजह से जा रहे हैं ना। हाँ साथी बताइए, आज एक्चुअली पाली जा रहे हैं, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कलेक्ट्रेट में जमा है, उनको लेने जा रहे हैं, और अभी जिस रास्ते से निकल रहे हैं वो रास्ता है शिकारपुरा, इस एरिया का नाम है। और यहाँ पे एक राजा राम जी के महाराज का आश्रम है, जहाँ पे करीब 5000 काउस है, गौशाला है बहुत बड़ी, जहाँ पे 5000 के आसपास गायें वो लोग रखते हैं और बहुत अच्छे से उनका ध्यान भी रखते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरली ऑपरेशंस करने आते हैं, कई बार क्या होता है कि यहाँ जो गाय है उनके सींग बहुत बड़े होते हैं, और जो कि आपस में फाइट की वजह से या किसी लगने की वजह से टूट जाते हैं, तो ऐसे में उनके दोनों सींग को कटाना पड़ता है, दोनों सींग को रिमूव करना पड़ता है, वो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करने आते हैं। उसमें गाय को ऑपरेट करके उसके दोनों सींग को निकालना पड़ता है, टूटने के बाद वो अंदर कैंसर बना है। और मेरे साथ में जो है भालू राम जी आते हैं, वो भी डॉक्टर हैं, दोनों यहाँ साथ में आते हैं बाइक साथ, बाइक से हम लोग यहाँ आते हैं आराम से और ऑपरेट करके खाना होगा फिर यही खाते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से शाम तक निकल जाते हैं। आज मेरी वजह से गाड़ी लेके आया, बाकी बाइक पे लेके आता मेरे को। इस धूप में मैं बाइक को मना कर दिया, वरना पूरा MZ से भी 1 घंटे पे चल लेंगे, और MZ में आता है मजा, लेकिन मौसम बहुत, तो अदरवाइज ऐसी धूप में मैं बाहर नहीं निकलने वाला, क्योंकि मेरे को ब्लॉक बनाने में फिर मजा ही नहीं आता कुछ, है ना। तो इस वजह से एक व्यू आपको दिखाता हूँ बाहर का, कैसा क्या हाईवे का यहाँ का, ठीक है। हमने यू टर्न ले लिया है गाड़ी का, क्योंकि हमारे फास्ट ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बीच में एक दिखा है उसके
साथ जा रहे हैं, उसके हल तो अच्छा है सोल्यूशन हमारा। एक बार चल के बात करते हैं क्या है क्या। अभी हम हाईवे के पास खड़े हो गए हैं, फास्टैग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अभी रुकना पड़ेगा हमें। हम थोड़ी देर के लिए हाईवे पे, पीछे हमारे होटल है बट अभी हम मिस्ते हैं वहाँ पर, कुछ भी खाना वाना कुछ करेंगे नहीं क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद में स्टार्ट होने के बाद आपको आगे दिखाते सीन क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा देखते हैं। तो अभी रोहित आ गया है यहाँ से, पाली यहाँ से 30 किलोमीटर है। रोहित की कचौरी बहुत फेमस है तो एक बार ट्राई करते हैं आज कचौरी, बहुत टाइम हो गया मेरे को भी हाईवे, आपको भी दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है बट छोटा ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कचौरी की वजह से, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम भी सोच रहे हैं खाने का, एक बार ट्राई कर लें। ठीक है तो गाड़ी साइड में लेते हैं, वो जो सामने देख रहे हैं आप शॉप वहाँ पे है इसकी मेन जो है शॉप, तो हम देखते हैं आगे रुक गाड़ी आ रही है साइड में लगाते हैं, फिर जाके लेके आ जाएगा एक बार। एक्चुअली ऑटोमेटिक पे थी ना गाड़ी इतनी देर से, तो थोड़ी एसी भी बहुत ज़्यादा चिल हो गई है, तो एक बार इसको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, चले के आ जाए फटाफट। गाइस आप पर्सनली बता दूँ, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है बट हम ट्राई कर रहे हैं कुछ नया करने का, है ना। तो अभी हम पाली पहुँचेंगे, 1 घंटा लग जाएगा मेरे हिसाब से, तो वहाँ पहुँच के इसके जो भी डॉक्यूमेंट के काम है वो हम कर लेंगे। और फिलहाल अभी वो कचौरी लेने गया था, एक बार टेस्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। सच्ची बता रहा हूँ बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी 1-2 बार खाई है, डिटेल बता रहा हूँ बहुत अच्छी है। तो अभी वो लेते हैं, आ ही रहा होगा कि, और वैसे भी हम लेट ही निकले एक्चुअली, इसका कोई ऑपरेशन था मॉर्निंग में तो अभी लेट हो गया है ना। तो पर देखते हैं क्या है आगे, लूणी पोर्ट भी है जाने का सोच रहे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है वरना एक और काम है वो करेंगे। चलो खाने के बाद मिलते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब आ गए हमारे लिए कचौरी लेके, कितनी दोला है ये कचौरी रेडी है अब हमारी, अब हम इसको आगे टेस्ट करेंगे थोड़ी आगे ले जाके। तो हम स्पेशली सिर्फ कचौरी खाने के लिए रोके हैं, अब हम खाएंगे कचौरी। कचौरी फॉलो अप कितनी दोला है ये, एक पहले ऐसा कर तू टेस्ट कर, बहुत टाइम से टेस्ट नहीं की ये, मैं ले लेता हूँ थोड़ा, तो ये पहले टेस्ट करके बताएगा क्या है क्या नहीं, इसमें कुछ फ़र्क, काफ़ी टाइम से खाया नहीं है ना मैं, इसलिए एक बार टेस्ट कैसा गया है खा के बता, जरा अच्छे से खा के बताना कैसा क्या लग रहा है। क्या फ़र्क है? बिल्कुल वही पहले वाले। क्या बात कर रहा है? नो चेंज, मिलती है। कोई चेंज नहीं है। तो मैं भी खा के चेक करूँ क्या? बिल्कुल। चलो मैं भी खाता हूँ, ये तो खा चुका है। तो अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा फर्क है भाई मेरी कचौरी में, मेरी वाली ठंडी हो गई है। ये फटाफट खा लेते फिर आगे चलते हैं। चलो चोरी हो गई फिनिश, लेकिन अभी आपको दिखाता है कि जो आप भीड़ देख रहे हैं इसके आगे, यहाँ पे ओम बना का मंदिर है, यहाँ पे हर कोई 90% लोग यहाँ रुकते जाते फिर जाते ही जाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप भीड़, ये है मेन ओम बना का मंदिर। अभी हम लेट हो रहे इसलिए रुक नहीं पाएंगे, वरना रुकना चाहिए, बट हमने अभी यहीं से यहाँ जोड़ लिया है, तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आपको दिखाएंगे ओम बना का। ये जो मंदिर था अभी ओम बना का, यहाँ पे ऐसा की जो बाइक है जो कि रॉयल एनफील्ड बुलेट है उसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। बाइक को लोग आते हैं, उस पर माला चढ़ाते हैं, उसी की आरती उतारते हैं और उसी की पूजा यहाँ पे की जाती है। इसके राजस्थान में ये बहुत ही एक यूनिक टेम्पल कह सकते हैं, जहाँ पे कैसे पहला ही ऐसा टेम्पल है जहाँ पे एक बाइक की पूजा की जाती है, लोगों की आस्था है बाइक के प्रति। तो अभी अपन ने वो टोल वाली जो प्रॉब्लम थी वो चेक करवा दी, उसने कहा हो जाएगा, कुछ मोबाइल से अपडेट किया, तो अभी टोल आ रहा है आगे, एक बार चेक करते हैं पैसे कट होते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, तो आगे
नहीं तो है ना तो वापस रिटर्न लेना हमारी पड़ जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फेल भी बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर लेते हैं। गाइस हम ट्राई कर रहे हैं, यस खुल जा, धीरे 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 खुल जा खुल जा खुल जा यार। ओए होए हो गया अपना काम भाई, बंदे ने टाइम लिया बट अपना काम निकाल दिया। चलो इसी आराम से जा पाएंगे, वरना और एक घंटे की लग जाती है। पाली से हम फ्री हो गए तो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट का जो काम था वो हमने पूरा कर लिया है, तो अभी हम वहाँ से निकल गए हैं। तो वापस मैं जो तो अभी हम थोड़ा हो गए ऐसा चुके हैं, तो चाय वाय पियेंगे हम, और हाईवे की चाय जो होती है ना बहुत मज़ेदार। अंदर ले ले रेड तो अपनी ये वाली घड़ी यहाँ है। ये आ गई हमारी चाय। चाय तो चाय भाई हो गई है, और अभी हम वापस घर के लिए रवाना हो गए वैसे, बट रास्ते में एक चीज दिखा रहे हैं आपको, हमें किडनैपर वैन मिल चुकी है, अभी आपको दिखा दे रहे हैं। गाइस ये देखो, ये रही वो किडनैपर वैन, इसी के अंदर अक्षय कुमार है और ये चला रहा है, इसको पता चल गया है कि सीएडी वाले आगे पीछे घूम रहे थे तो वापस आते थे, रात हो गई है वैसे हमें। तो ये डांगियावास है, बहुत ही फेमस है यहाँ पे, एक मीठा सा हलवा भी मिलता है यहाँ पे, नमकीन वगैरह, तो ज़्यादातर लोग जो लोग आते हैं यहाँ पे वो रुकते ही हैं यहाँ पे ना। तो इसके बाद में बस आधा घंटा और लगेगा, हम घर पे पहुंच जाएंगे।